फाइनली आरसीबी की टीम को वो खुशी मिल गई जिसके लिए वो इस सीजन तरस रहे थे, साथ ही उनके फैंस को भी वो खुशी मिल गई जिसके लिए वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भाई साहब कल आरसीबी के गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी करी है, मतलब आरसीबी की कल की गेंदबाजी देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल के मैच में आरसीबी की गेंदबाजी कर रहे थे। और अगर आरसीबी के पास ऐसी गेंदबाजी थी तो वो पिछले 8 मैचों से कहां चली गई थी। मतलब कल का जो मुकाबला हुआ उसमें बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं था कि आरसीबी की परफॉर्मेंस ऐसी होगी। आरसीबी की टीम ने कल एसआरएस को रेला है, समझ लीजिए एसआरएस की टीम को, जिन्होंने इस सीजन 4 सबसे बड़े बड़े स्कोर बना दिए। और पिछला मैच में आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 387 रन बनाए थे और उस टीम के खिलाफ आरसीबी के गेंदबाजों ने कल 206 रन डिफेंड किए और एसआरएस की टीम को 171 रनों पर रोक दिया। कि आपको यकीन हो रहा है कि आरसीबी के गेंदबाजों ने कल ऐसी गेंदबाजी करी होगी, और अगर ऐसी गेंदबाजी इनके पास थी तो पहले क्यों नहीं करी। मतलब भाई साहब इनकी गेंदबाजी जो अब जाके जागी है वो अगर पहले जाग गई होती तो आरसीबी के फैंस और आरसीबी की टीम के लिए काफी बेनिफिट होता। कल एक शानदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें आरसीबी के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करी और एसआरएस के सभी बल्लेबाजों को पकड़ के रखा या कहे तो बांध के रखा, किसी को कल चलने का मौका नहीं दिया। मतलब चाहे ट्रेविस हॉट हो, अभिषेक शर्मा हो, एडम माक्रम हो या फिर हेनरिकस क्लासेन हो, किसी भी बल्लेबाजों को कल आरसीबी के गेंदबाजों ने चलने नहीं दिया। और एक जो मुकाबला लग रहा था कि नहीं जीतेगी आरसीबी की टीम मैच से पहले, उस मुकाबले को एक तरफा आरसीबी की टीम ने अपने नाम कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो वो रहा आरसीबी के गेंदबाजों का, क्योंकि हमने देखा है कि इस सीजन आरसीबी के गेंदबाजों की कैसे रिलाई हुई है। वहीं अगर मैच की बात करें तो आज आईपीएल 2024 का 41वां मुकाबला खेला गया जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुआ। इस मुकाबले में फाइनली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीता और उनको समझ में आया कि एसआरएस के सामने पहले गेंदबाजी करना कितना बड़ा रिस्क है, इसलिए उन्होंने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वह विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी एक बार फिर से नजर आई। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 43 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 118 का रहा, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम रहा। मतलब विराट कोहली जैसे प्लेयर अगर 118 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे तो यह टीम के लिए काफी खराब बात है। और विराट कोहली ने इस तरह की इनिंग क्यों खेली शायद ही उन्हीं को पता होगा, क्योंकि ये पिच उतनी स्लो नहीं थी जहां पे 118 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया जाए। लेकिन मैं विराट कोहली को फिर भी डिपेंड करूंगा क्योंकि विराट कोहली मेरे फेवरेट प्लेयर है और कभी कभी किसी किसी खिलाड़ी के पास ऐसा दिन आ जाता है जहां पे उनके बल्ले से रन नहीं निकलते हैं। हमने देखा कि पावर प्ले में विराट कोहली ने काफी शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन उनको कल के मैच में स्पिनर्स को खेलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। वहीं शहबाज अहमद ने भी काफी शानदार गेंदबाजी करी और विराट कोहली को पूरी तरीके से बांध के रखा। और कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं जहां पे प्लेयर्स रन बनाने के लिए जूझते हुए हमें नजर आते हैं, और शायद कल विराट कोहली के लिए ऑफ डे था जिसके कारण उनको शायद रन बनाने में काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। खैर विराट कोहली के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि विराट कोहली ने कल वैसे इनिंग नहीं खेली कि उनकी ज्यादा चर्चा करी जाए, लेकिन हाँ उनके साथ जो आए थे फाफ डु प्लेसिस ने कल 12 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली और काफी अच्छी शुरुआत दी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पावर प्ले में और 6 ओवर में 60 रनों का आंकड़ा पार करवा दिया। वहीं इनके बाद जिन्होंने कल शानदार बल्लेबाजी करी वो रहे रजत पाटीदार। भाई साहब 20 गेंदों में 50 रन ठोके, वैसे तो उन्होंने 19 गेंदों में ही पूरी करी थी लेकिन 20वें गेंद पे वे आउट हो गए और उन्होंने जो मैच को रडार पे लिया, एक ओवर में 4 छक्के जड़े और वहां से मैच को आरसीबी की झोली में फिर से वापस ला दिया। मतलब लग रहा था कि आरसीबी की टीम अब स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आएगी, लेकिन रजत पाटीदार ने मैच को जो 4 छक्के जड़े, भाई साहब मजा ही आ गया। लेकिन हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा रजत पाटीदार से कि भाई साहब 50 रन से ऊपर का भी स्कोर बनाया जाता है यार, हमने देखा है कि रजत पाटीदार का स्कोर 50 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। मतलब उनकी गाड़ी का ब्रेक जो है 50 से 51 में जाके अटक जा रहा है। इस सीजन उन्होंने 350 जड़ी है लेकिन तीनों ही 50 में उन्होंने 50 से 51 50 का स्कोर ही बनाया है। मतलब इनको कब समझ में आएगा कि थोड़े से ऊपर की पारी भी खेली जानी चाहिए ताकि आरसीबी की टीम को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिले। खैर कल उन्होंने शानदार पारी खेली और अपने इस पारी में उन्होंने 5 शानदार छक्के जड़े और 2 चौके उनके नाम रहे। वहीं कैमरन ग्रीन की भी कल वापसी भी 20 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली और काफी लंबे समय के बाद कैमरन ग्रीन के बल्ले से हमें कुछ रन देखने को मिले। वहीं इनके अलावा कार्तिक के नाम 11 रन रहे और स्वप्निल सिंह के नाम 12 रन रहे, जिन्होंने मात्र 6 गेंदे खेली और उनका कल आरसीबी की तरफ से डेब्यू मैच रहा और इस तरह से आरसीबी का स्कोर 206 रनों तक पहुंच गया। वहीं कल एसआरएस की गेंदबाजी में भी हमें काफी उलटफेर देखने को मिली। मतलब भुवनेश्वर कुमार से गेंदबाज कल एक ही ओवर कराया गया और एक ओवर में उन्होंने मात्र 14 रन दिए थे। वहीं उनके अलावा अभिषेक शर्मा को एक ओवर में 10 रन पड़े, पेट कमिंस को 4 ओवर में 55 रन पड़े, जो कि कप्तान रहे उनको एक विकेट जरूर मिला और इनको आज विराट कोहली ने रडार पर रखा हुआ था। मतलब पेट कमिंस की आज धुनाई जमकर हुई। वहीं इनके अलावा टी नटराजन को 4 ओवर में 39 रन पड़े, उनको 2 विकेट मिला। शहबाज अहमद ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी, 3 ओवर में मात्र 14 रन दिए। मकंडे के नाम 3 ओवर में 42 रन रहे और जयदेव नाटकर के नाम 4 ओवर में 30 रन रहे और उनको 3 विकेट कल मिला। वहीं इस स्कोर को पीछा करने के लिए एसआरएस की टीम ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को एक बार फिर से भेजा, लेकिन इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बेहद ही बेकार रहा। ट्रेविस हेड को कल विल जैक्सन ने पहले ही ओवर में चलता किया। वहीं अभिषेक शर्मा ने कल अच्छी पारी जरूर खेली, उन्होंने 13 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे, उनको यश दयाल ने आउट किया।
इसके बाद शायद शहबाज अहमद के अलावा किसी भी बल्लेबाजों ने क्रीज पर टिकने की कोशिश नहीं करी और सभी ने छोटी छोटी पारी खेलकर पवेलियन चले गए। शहबाज अहमद ने 37 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली और काफी स्लो पारी रही। इस मैच में सबसे स्लोएस्ट पारी अगर किसी का रहा तो वो रहे शहबाज अहमद, जिन्होंने 37 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली। वहीं इनके अलावा पैट कमिंस ने थोड़ी अच्छी पारी जरूर खेली, उन्होंने 15 गेंदों में 31 रन बना दिए और लगा कि सारे की टीम इस मैच में थोड़ी बहुत बनी हुई है, उन्होंने कल 3 छक्के जड़े। वहीं अगर आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें तो इस मुकाबले में विल जैक्स ने 2 ओवर में 23 रन दिए और उनको 1 विकेट मिला, वो भी ट्रेविस हेड का, जो कि इस मैच का सबसे बड़ा विकेट माना जा रहा था। वहीं मोहम्मद सिराज ने कल 4 ओवर में 20 रन दिए, उनका इकोनॉमी रेट काफी अच्छा रहा हालांकि उनको विकेट नहीं मिला। वहीं यश दयाल के नाम 3 ओवर में 18 रन रहा, उनको 1 विकेट मिला। स्वप्निल सिंह जिन्होंने कल डेब्यू करा उनको भी कल 2 विकेट मिले, 3 ओवर में 40 रन दिए। लेकिन हाँ, इनकी गेंदबाजी के कारण ही शायद आरसीबी इस मैच में बनी, क्योंकि इन्होंने 1 ओवर में अपने डेब्यू ही ओवर में इन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए, वो भी बड़े बड़े विकेट, उसके कारण ही आरसीबी की टीम इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना लिया। वहीं करण शर्मा ने कल 4 ओवर में 29 रन दिए और 2 विकेट उनको भी मिले। लॉकी फर्गुसन ने कल 2 ओवर में 28 रन दिए और कैमरन गिल को कल 2 ओवर में 12 रन पड़े और 2 विकेट उनको मिला। और इस तरह से आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले को 35 रनों से अपने नाम किया और आरसीबी अपने होप को बनाए हुए रखी है कि आगे 2024 को प्लेऑफ में जा सकती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीबी की टीम इस बार प्लेऑफ में जगह बना ले तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।